हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौर है। स्वागत आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो भैया, फाइनली बजाज कंपनी ने प्लेटिना 110 का 2023 मॉडल न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है और नाम रखा उसका प्लेटिना 110 ABS। इस बाइक में आपको ABS अब दे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इस बाइक में क्या बदलाव किए गए हैं और क्या चेंजेस किए गए हैं, इसकी प्राइस कितनी क्या है और क्या ये बेस्ट 110cc बाइक है इन इंडिया, आज के इस वीडियो में ये चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले कि इस बाइक में क्या अपडेट किए गए हैं। तो पहला सबसे बड़ा अपडेट इस बाइक में किया गया है ABS का। इस बाइक में आपको ABS का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है। और जिनको नहीं पता ABS क्या होता है, उनको बता दूं, ABS एक ऐसा फीचर है जिसमें क्या होता है, ब्रेकिंग बाइक की काफ़ी अच्छी हो जाती है। ख़राब रोड पर अगर आप ब्रेकिंग करते हैं, फिसलन वाली रोड पर ब्रेकिंग करते हैं, तो आपकी जो ब्रेकिंग है नॉर्मल ब्रेक के बजाय काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये सारा फीचर आपको अब प्लेटिना बाइक में देखने को मिल जाता है। और ये इंडिया की इकलौती ऐसी 110cc बाइक है जिसमें आपको ABS दिया जाता है। और 125cc तक की किसी भी बाइक में इंडिया में ABS नहीं आता। आता है तो बस KTM वगैरह में आता है, नॉर्मल सेगमेंट की किसी भी बाइक में ABS नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ प्लेटिना में आपको फीचर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा बड़ा अपडेट किया गया इस बाइक के ग्राफिक्स के साथ और लुक्स के साथ। यहाँ पर काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स अब आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कलर है यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस बाइक में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन अब देखने को मिल जाते हैं। पहला है रेड, दूसरा है ब्लू और थर्ड है यहाँ पे ब्लैक। तीनों ही कलर काफ़ी अच्छे हैं और इनके साथ जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया ना, काफ़ी अच्छा है। इसके रिम में जो स्टिकर दिए गए हैं गोल्डन कलर के, पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और मुझे जो बाइक की लुकिंग है ना, इस बार 110 प्लेटिना की, काफ़ी अच्छी लगी। आप भी कमेंट करके बताइए कि इस बाइक की लुकिंग आपको कैसी क्या लगी। थर्ड अपडेट किया गया इस बाइक के इंडिकेटर में। यहाँ पर आपको पहले के मुकाबले जो इंडिकेटर है वो थोड़े से ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिल जाते हैं। और लुकिंग वाइज जो इंडिकेटर है पहले के मुकाबले थोड़े से अच्छा लग रहे हैं। इसमें आपको येलो कलर का बल्ब मिल जाता है, जिसकी वजह से नाइट के टाइम में जो इंडिकेटर ना, काफ़ी अच्छे से रोशनी आपको दे देते हैं। तो थर्ड अपडेट है ना वो है इसमें इंडिकेटर का। तो यार, अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में कि इतने सारे फीचर्स इस बाइक में ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन प्राइस कितनी बढ़ाई गई है। तो कंपनी ने यहाँ पे ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं की है। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 72,000, जो कि यार ज़्यादा नहीं है। पहले के मुकाबले 2-3 हज़ार रुपये यहाँ पर प्राइस बढ़ाई है, लेकिन इस प्राइस रेंज में ना, ये जो बाइक है सबसे बेस्ट बाइक है। इस बाइक में आपको अच्छा माइलेज मिल जाता है, काफ़ी लंबी इसमें सीट मिल जाती है। जो सीट है ना, काफ़ी कंफर्टेबल है, इसमें 3-4 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बाइक है काफ़ी फीचरफुल है। इसमें आपको ABS भी देखने को मिल जाता है, सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है। इसके मीटर कंसोल में आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। इसके साथ में आपको सेकंड गियर डालना है, थर्ड डालना है, ये भी इसके मीटर में आपको सजेस्ट करता रहता है। तो काफ़ी फीचरफुल यहाँ पर आपको मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 110cc में कोई बाइक परचेस करनी है, तो इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। बाकी जल्दी ही इस बाइक का रिव्यू, इस बाइक का माइलेज टेस्ट और इसका जो राइडिंग रिव्यू है, सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इसके अलावा कोई बातचीत करनी किसी बाइक के बारे में, कुछ भी डाउट हो, तो इंस्टाग्राम हमारी स्क्रीन पर आ रही है, इंस्टा पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।